नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम का एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आ गया था, अलॉटमेंट लिस्ट भी आ गई थी पुरुष मेल लिस्ट आप नर्स के लिए। बट अभी हाल ही में आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे, डेट आज का लिखा हुआ है 19 तारीख, डेट लिखा है 2023 लिखा है, ठीक है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा की तरफ से एक अपडेट निकल के आया हुआ है, क्या अपडेट रहने वाला है तो सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जो सिलेक्ट हो गए हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक लेटर निकला हुआ है जिसमें लिखा समस्त क्षेत्रीय संचालक को, यहाँ पर मध्य प्रदेश संचालनालय ने एक लेटर निकाला है जिसमें लिखा है पुरुष स्टाफनर्स नियुक्ति पदस्थापना हेतु मार्गदर्शन जारी करने के बाद में, ठीक है। और लिखा हुआ है, पढ़िएगा, उपरोक्त विषय विषयांतर संचालनालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग E1 2022 36 दिनांक 30/3/2 के तो पुरुष स्टाफ नर्स का आवंटन आदेश जारी किया गया था, ठीक है, जिससे अनुपालन में क्षेत्रीय संचालन स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन परीक्षण किया जाना सुनिश्चित था, ठीक है। ये भी हो गया, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया था। यह संज्ञान में आया है कि आवेदन जिनके द्वारा विवाहित शैक्षणिक अन्य आर्थता को पूर्ण नहीं किया गया, उन्हें भी पदस्थापना नियुक्ति हेतु पात्र घोषित किया जा रहा है। मतलब ये कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनका मतलब कुछ भी वेरिफिकेशन में कुछ भी आ रहा है या दस्तावेज नहीं है तरीके से, तो भी उनको घोषित किया जा रहा है। उक्त के परीक्षण में आपको निर्धारित किया जाता है कि दस्तावेज को सत्यापन करते समय आपको शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों को सत्यापन करना जरूरी है। मतलब यह है, अपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करते हैं, MPBPB का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहने वाला है। जिसमें क्या है कि यदि आपके पास बायोकेमिस्ट्री और आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए 50% आपका होना चाहिए, तभी आप क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मान्यता होना चाहिए आपका शासकीय और अशासकीय छात्रों के रूप में बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और बीएससी नर्सिंग में भी 50% आपका कंपलसरी ही है, और आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें के बेसिस पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है कि सक्सेसफुल होगा, ठीक है। यदि ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करवाने जब आप गए थे या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए थे, यदि आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल है, तो मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। ये उपरोक्त विवाह शैक्षणिक अन्य अर्थों को पूर्ण नहीं करते हैं तो आवेदक का आवेदन अमान्य करने के लिए पदस्थापना पर आदेश जारी नहीं करे। यदि यह सब कुछ क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होगा तो आपको क्या है कि वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा, फिर आपको क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिर जो भी बच्चे वेटिंग वाले हैं जो हमेशा पूछते रहते, फिर उनको क्या है कि उनको चांसेस दिया जाएगा। तो ये बिग अपडेट था, इसी के रिगार्डिंग था कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, तो ये सारी जानकारी आपको इस लेटर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो ये लेटर आपको हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। जितने भी मेल नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, ऐसे ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ही इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट मिल पाए।